भारत की पहचान, भारत का महात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमारे सभी साथियों पर है, और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार। भाई और बहनों, आखिर दुनिया को ये विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। दुनिया ये जन समर्थन देख रही है। आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह दुनिया को अचरज कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। और आपने देखा होगा, कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन है, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन है, मेरे पिछड़े भाई बहन है, और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए
यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस